हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन मीटिंग, क्लासेस, प्रेजेंटेशन या फिर हम नॉर्मल सॉन्ग ही सुन रहे हो तो फ्रेंड्स, कभी कभी हमें लो वॉल्यूम या लो साउंड की प्रॉब्लम वहाँ फेस होने लगती है, चाहे हमारा वो लैपटॉप हो या फिर पीसी हो। तो फ्रेंड्स, चाहे हम वहाँ पे कितना ही वॉल्यूम को इंक्रीज कर लें, लेकिन हमें साउंड जो है बढ़ करके नहीं मिलने वाली। तो फ्रेंड्स, कोई बात नहीं, हमारे पास कुछ ऐसे मेथड है जिनसे कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो है बेसिक मेथड है, जिसमें कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाना होगा। आप यहाँ सर्च बार में कंट्रोल पैनल लिखिए, उस पर क्लिक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कंट्रोल पैनल ओपन हो जाता है, आपको इसमें यहाँ पे लार्ज आइकन कर लेना है ताकि आपको आइकन यहाँ पे क्लियर दिख सकें। और इसमें फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए साउंड जो आ रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आप साउंड पे क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे जो भी डिवाइस से आपका जो साउंड सिस्टम कनेक्टेड होगा वो यहाँ पे शो करने लगती है। लेकिन अभी जो देख रहे हैं आपको डिवाइस दिख रही है यहाँ पे रियलटेक ऑडियो, जो कि इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, आपके में कुछ भी हो सकता है। इसकी प्रॉपर्टी में आपको चले जाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो टैब शो कर रहा है, जनरल, लेवल, एडवांस और स्पेशल साउंड करके जो है, तो फ्रेंड्स इसमें एक जो आता है हमारा ऑप्शन एनहैंसमेंट करके आता है, फ्रेंड्स वो यहाँ पे नहीं है। और कई में इसमें होता है कि डिवाइसों में ये ऑप्शन जो है नहीं आता है। तो अगर आपके वहाँ पे आ रहा है तो आप एनहैंसमेंट में जाकर के एक लाउडनेस करके ऑप्शन आता है, उसको इनेबल कर सकते हैं। तो वो आप जैसे उसको इनेबल करेंगे तो आपकी जो वॉल्यूम होगी वो 50% और भी इंक्रीज हो जाएगी, जिससे कि आप यहाँ पे थोड़ी सी आपकी वॉल्यूम इंक्रीज आपको पता लग जाएगी। जब भी आप कहाँ सॉन्ग प्ले करेंगे तो आपको यहाँ पे इंक्रीज आपको पता लग जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो फ्रेंड्स उसके लिए मुझे किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको आगे बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं उसके लिए यहाँ पे मोज़िला ब्राउजर मैंने यहाँ ओपन कर लिया है। और इसमें फ्रेंड्स नॉर्मली मैं यहाँ पे google.com ओपन कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ साउंड बूस्टर फॉर विंडोज 10, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे विंडोज 10 अभी अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पे ऊपर जो है वो दूसरे साउंड बूस्टर आएंगे, लेकिन आपको स्क्रॉल करके नीचे करके जाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक जो filesource.com है, ये साइट मेरे को डायरेक्टली जो है ऑफलाइन इंस्टॉलर यहाँ प्रोवाइड कर देगी। तो मुझे यहाँ पे उसी के थ्रू यहाँ पे डाउनलोड मैं उसको कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये ज़्यादा MB का नहीं होता, 6.5 MB का एक सॉफ्टवेयर है, तो वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे आसानी से डाउनलोड हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप सिंपली यहाँ क्लिक कर देता हूँ मैं लिंक पे। यहाँ पे देखिए ये साउंड स्टार्ट डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरा डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि ये 6.5 MB का ही सॉफ्टवेयर, तो बहुत जल्दी मेरे पास ये डाउनलोड हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जैसे ही डाउनलोड हो जाता है, मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ और ये यहाँ पे रन होने के लिए रेडी हो चुका है। इंस्टॉल होने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसमें एक ऑप्शन आता है एक्सेप्ट करना होता है मुझे, जो कि यहाँ पे शो नहीं किया। और फ्रेंड्स ये देखिए नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के जो स्टेप्स आते हैं वो यहाँ पे आ गए हैं। आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके उसको इंस्टॉल कर देना है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, पाथ वगैरह जो भी मांगता है आपको दे देना है और इंस्टॉल इसको कर देना है फ्रेंड्स। बहुत ही जल्दी फ्रेंड्स ये आपका इंस्टॉल इसमें हो जाएगा। इंस्टॉल होते ही फ्रेंड्स यहाँ पर इसका ऑप्शन आ जाता है लॉन्चिंग का। तो लॉन्चिंग का जैसे फ्रेंड यहाँ टिक करके आप जैसे इस पर टिक करके यहाँ फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद यहाँ पे जो नीचे बॉटम कॉर्नर में है इसका यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन इसका दिख रहा है साउंड बूस्ट। और फ्रेंड्स इसमें हैरान की बात यह है कि ये 500% तक आपका जो वॉल्यूम है वो करता है, मतलब 100% ऑलरेडी है, 500 मतलब 600% वॉल्यूम ये आपका इंक्रीज कर देता है ये सॉफ्टवेयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इसको यहाँ पे इनेबल करके और इसको देखिए अप डाउन करके देख रहा हूँ, तो आप चेंजेस आपको साफ पता लग जा रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप इसका इंक्रीमेंट जो करें, जो साउंड का इंक्रीज करें, वो अपने इसके हिसाब से कीजिएगा। अदरवाइज मान लीजिए क्या होता है, कभी कभी आप बहुत हाई साउंड को अगर बूस्ट कर रहे हो तो आपके स्पीकर पे इफेक्ट आ सकता है, स्पीकर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस हिसाब से इसको इंक्रीज कीजिए ताकि आपके स्पीकर जो है इसको झेल पाएँ, अदरवाइज आपके स्पीकर जो है ख़राब हो जाएंगे, उनकी आवाज़ वो धीरे धीरे फटने लगेगी। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बताऊँगा, ये जो फ्रेंड्स है सॉफ्टवेयर है 14 डेज के जो है ट्रायल भी मिलता है, और आप अगर चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसका एक क्रैक वर्जन जो है वो भी कहीं बहुत ही इजीली तरीके से मिल जाता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज करके भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपके जो साउंड लो की प्रॉब्लम, वॉल्यूम लो की प्रॉब्लम है, इसके थ्रू सॉल्व हो गई होगी। प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज सपोर्ट माई चैनल एंड थैंक